हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे लेक्चर नंबर 12, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। टुडे लास्ट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, 4 पॉइंट स्टार्टर। लास्ट टाइम डिस्कस अबाउट 3 पॉइंट स्टार्टर। इन 3 पॉइंट स्टार्टर देर आर 3 पॉइंट, लाइन, आर्मेचर एंड फील्ड। हियर 4 पॉइंट, L1, L2, फील्ड एंड आर्मेचर। L1 एंड L2 इज अ टू लाइन एंड F फील्ड एंड आर्मेचर। हियर डिफरेंस कंपेयर टू 3 पॉइंट स्टार्टर विथ 1 लाइन इज एड। यहाँ पे क्या हुआ है, एक लाइन L2 एड हुआ है, एज इट इज सब कुछ है। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या था कि जब उसकी स्पीड बढ़ती थी, जब भी स्पीड बढ़ती थी उसका रेजिस्टेंस बढ़ता था, रेजिस्टेंस बढ़ता था तो उसकी फील्ड का करंट घटता था। फील्ड है उसका करंट घटता था। अगर करंट घटता है तो क्या होता है, नो वर्ल्ड कॉल में मैग्नेटाइजिंग घटता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लाइन हम ऐड करते हैं। ओके, ये लाइन ऐड करने करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे कि व्हेन स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर इज डन वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद सीरीज विद फील्ड वाइंडिंग। ओके, ये फील्ड है, उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। व्हेन 3 पॉइंट स्टार्टर यू 3, देयर 1 डिफिकल्ट इंक्रीज इन स्पीड, फील्ड रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज, रिड्यूस ऑफ फील्ड करंट। नाउ फील्ड करंट पासिस थ्रू एनवीसी, द मैग्नेटाइज एनवीसी व्हिच यूज टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी। ओके, तो एनवीसी था नो वर्ल्ड कॉइल, उसमें क्या होता था, उसका मैग्नेटाइजिंग कम हो जाता। आप लोग तो जानते हैं कि व्हेन करंट इज रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग विल रिड्यूस, क्योंकि उसके प्रोपोर्शनल में होता है करंट की मैग्नेटाइजिंग। ओके, सो इन दिस सप्लाई एनवीसी इज मेड इंडिपेंडेंट 2.36। ओके, इसमें एनवीसी क्या है, इंडिपेंडेंट है, आप देख सकते हो। ओके, ए फील्ड के इंडिपेंडेंट है, लाइन के एक हिस्से से कनेक्ट होकर दूसरा हिस्सा फील्ड के साथ कनेक्ट रहता है। ओके, तो कंस्ट्रक्ट 4 पॉइंट स्टार्टर, हैंडल शिफ्टेड, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑफ स्टार्ट, करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, पहला ऑफ स्टार्ट में हुआ मींस ऑफ साइड, हियर ऑन साइड, लेफ्ट साइड इज ऑफ एंड राइट साइड इज ऑन। ओके, या 7 पर आ जाएगा तो पूरा का पूरा ऑन हो जाएगा। ओके, वन पार्ट गोज द आर्मेचर थ्रू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, सेकंड पार्ट गोज टू करंट लिमिट रेजिस्टेंस थ्रू एनवीसी, एंड थर्ड गोइंग टू फील्ड इज थ्रू फील्ड रेजिस्टेंस। ओके, फर्स्ट क्या है, फील्ड रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस, फिर लाइन वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड एनवीसी नो वोल्ट कॉइल। ओके, करंट लिमिट रेजिस्टेंस थ्रू एनवीसी। ओके, द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आर कट फ्रॉम हैंडल इज टेकन स्लोली to one position where starting resistance is fully cut. Okay, the armature is connected direct across the supply. Okay, starting में क्या होगा कि handles on है तो slowly down, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, slowly goes up to 7. Okay, तो starting में क्या होगा, सब resistance cut हो जाएगा. Okay, as the supply is no wall coil independent, there is no change in current NVC due to changes the field resistance. Okay, इंडिपेंडेंट है कि जब भी फील्ड रेजिस्टेंस चेंज होगा तो एनवीसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। इसमें कोई चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट है एनवीसी, क्योंकि 4 पॉइंट स्टार्टर हमने वो इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए अप्लाई इम्प्लीमेंट किया है। ओके, एज द सप्लाई इज नो वोल्ट कॉइल इज इम्प्लीमेंट, देयर इज नो चेंज इन एनवीसी करंट। ओके, तो L1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एनवीसी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, L2 कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई। इन 3 पॉइंट स्टार्टर देयर आर टर्मिनल 3, मैंने आगे बात की LAF, व्हाइल 4 पॉइंट देयर आर 4 टर्मिनल L1 L2 F एंड A। हियर 1 इज एट सेकंड नंबर लाइन। ओके, अब बात करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। ओके, हियर 2 पॉइंट स्टार्टर, ओनली 2 पॉइंट, एल एंड ए, लाइन एंड आर्मेचर। हियर सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड विथ सीरीज विथ आर्मेचर। ओके, एंड प्रीवियसली डिस्कस
field winding is connected parallel with armature. Okay, yes, connected with series with armature. Okay, so 2-point starter in DC motor, the current limit variable resistance in connected series with the armature. Then only two terminal outgoing in coming out in type of starter. Okay, so 3-point converted into 2 means फील्ड का हमने जो हिस्सा था पॉइंट का वो हमने सीरीज में ले लिया आर्मेचर में. ओके, सो वन टर्मिनल इज मार्क एल एंड पॉजिटिव सप्लाई एंड अदर टर्मिनल इज मार्क इज ए आर्मेचर कनेक्टेड टू मोटर. द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई. देयर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर ओवर द नो वोल्ट केस इज बाउंड. ओके, ये एनवीसी नो वोल्ट. जब भी हम सप्लाई देंगे तो ये नो वोल्ट कॉइल मीन्स एनर्जाइज चार्ज होगा. The coil of overload relay is connected series. Terminal A and B is parallel to NVC. NVC के parallel में आएगा. ये देख लो. Overload coil. Okay, overload coil means जब भी कोई हमारा overload होता है motor में या कोई supply overload over हो जाता है over voltage, तो क्या हो गया energize होके disconnect हो जाएगी. तो ये हमारी NVC demagnetizing होके ये handle को उसकी off position में लेके जाएगी. ओके, सो ये ओवरलोड कॉइल है वो किसके पैरेलल में आएगी, एनवीसी के पैरेलल में आएगी. ओके, व्हेन द सप्लाई इज गिवन टू हैंडल द ऑन स्टार्ट सप्लाई इज गिवन टू मोटर थ्रू करंट लिमिट रेजिस्टेंस विद लिमिट स्टार्टिंग करंट. ओके, जब भी ऑन पोजीशन में आएगा हैंडल तो क्या होगा उसकी सीरीज में आएगा ये स्टार्टिंग फील्ड रेजिस्टेंस. ओके, the resistance is cut slowly when handle is moved slowly on position. resistance one by one cut हो जा होता जाएगा जब भी on position में आएगा तब. मैं आपको बता दूँ ये 1 पे 2 पे 2 पे 4 पे 5 पे इधर आएगा तो पूरे पूरा कट हो जाएगा. one by one cut होता जाएगा. in the on position the soft iron piece is attracted to electromagnetic NVC. the starting resistance fully cut and motor gets fully supply voltage. हियर फुल्ली सप्लाई वोल्टेज मिलेगा और रेजिस्टेंस कम रहेगा. ओके, सो हियर 2 पॉइंट एंड हियर 4 पॉइंट. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड बेटर. थैंक यू.